हेलो। हाँ नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार। एफएम विविध भारती वाराणसी, आकाशवाणी वाराणसी से मैं ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक आपसे जुड़ चुका हूँ। और श्रोताओं को हम बता दें कि इस समय हमारे साथ हैं काशी के वरिष्ठ संगीतज्ञ, शास्त्रीय संगीत की गायन विधा के एक आचार्य श्री देवाशीष डे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं को भी नमस्कार। देवाशीष डे जी, बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे पहले भी बातें होती रही हैं और एक बार फिर हम आपसे जुड़े हैं विविध भारती आकाशवाणी वाराणसी के श्रोताओं के लिए। कुछ बातें आपसे जानना चाहेंगे, आपके विचार अपने श्रोताओं तक पहुंचाना चाहेंगे। आप एक संगीत जी के अध्यापक हैं और बहुत सारे जो नवांकुर हैं, जो किशोर हैं, जो युवा हैं, उन्हें शास्त्रीय संगीत में मार्गदर्शन दे रहे हैं। आप वाग्गेयकार भी हैं, शास्त्रीय बंदिशों की रचनाएं भी आप करते हैं और कई पुस्तकें भी आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। बहुत सारे लोगों का जी मार्गदर्शन आप कर रहे हैं। जो विद्यार्थी हैं, चाहे वो छोटे हों, युवा हों, किशोर हों, महिलाएं भी इसमें बहुत सारी हैं, इन लोगों से जब भी हमारी बातें होती हैं तो ये जानने को मिला है कि बहुत सारे लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि लॉकडाउन, जो कोरोना वायरस के चलते, कोविड-19 के चलते माहौल बना है, लॉकडाउन जो हुआ है उसके चलते बहुत सारी गतिविधियां अभी भी ठप हैं। लॉकडाउन लगातार जी बढ़ रहा है और उन गतिविधियों के ना चलने के कारण जो छात्र हैं, जो ऐसे लोग हैं, वो भविष्य को लेकर चिंतित हो रहे हैं कि आगे क्या होगा। हमारे कॉलेज बंद हैं, हमारे स्कूल बंद हैं, पढ़ाई जैसे होती है सामान्य रूप से वो नहीं हो पा रही है। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, मार्गदर्शन मिल रहा है, लेकिन एक जो विद्यालय जाने का अवसर मिलता है विद्यार्थियों को, वहाँ अपने दोस्तों से मिलना, चार लोगों से बातें करना, घर से बाहर आना जाना, वहाँ खेलना कूदना, साथ में टिफिन करना, बतियाना, बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, वो सब बंद हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक तनाव को जन्म दे रही हैं, कहीं ना कहीं चिंतित कर रही हैं, आगे क्या होगा, हमारी परीक्षाएं किस तरह से होंगी, हम अगली कक्षा में जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, हमें सही अंक मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ज्ञान हमें पर्याप्त मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो एक भय है, एक तनाव भी है। तो एक अध्यापक होने के चलते ऐसे विद्यार्थियों से आप क्या कहना चाहेंगे? जी आपने बहुत ही समयोचित समय उपयोगी प्रश्न किया है। मैं अपने विद्यार्थियों के भी इन प्रश्नों से मैं सम्मुखीन होता रहता हूँ और जी उनके समस्याओं का मैं निदान करने की कोशिश करता रहता हूँ कि अपने हिसाब से उनके अंदर वो सकारात्मक बातें मैं उनके अंदर मैं उनसे यही कहता हूँ कि देखो, स्कूल कॉलेजेस में जाना किसी जी भी विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। जी वहां मात्र पढ़ने के लिए या मात्र कुछ किताबों के अध्ययन के लिए और कुछ चीजों के इंफॉर्मेशन सूचना दिमाग में भरने के लिए तो कोई स्कूल कॉलेज नहीं जाता है। जी तब तो आपके पास पहले से ही किताबें मौजूद हो सकती हैं, अध्यापक भी घर आ सकते हैं, लेकिन वो स्कूल का विकल्प नहीं है। स्कूल कॉलेजेस का विकल्प क्योंकि वहां पे आप कोई भी बच्चा जाता है तो वो दूसरों से मिलता है, तो कैसे उसको समाज में उठना बैठना है, किससे कैसे बात करनी है, किससे कैसे व्यवहार बर्ताव करना, वहां से लेकर जी उसके सर्वांगीण विकास के लिए कि जितनी भी चीजें की जाती है स्कूल की ओर से प्रयास किए जाते हैं वो सबके सब बहुत आवश्यक है। चाहे वो एक असेंबली होता हो सुबह, जी चाहे वो कोई एक मीटिंग होती हो, कुछ परीक्षाएं होती है, कुछ पूछे जाते हैं प्रश्न, इनका विकल्प तो ये ऑनलाइन कक्षाएं हो नहीं सकती, इसमें कोई दो राय नहीं। जी लेकिन ये जो एक दुःस्वप्न की तरह और एक इतना बड़ा दुखद समय आज आ गया है जी पूरे मानवता के लिए, इसके लिए किसी एक व्यक्ति को, ऐसा तो नहीं है कि विश्व में ये देश ठीक है वो देश नहीं ठीक है, ऐसा भी नहीं है, जी पूरे के पूरा विश्व ही परेशान है इसमें। बिल्कुल तो ऐसी स्थिति में हमको ये सोचना चाहिए कि जो भी हमारे इस समय हमको जो भी परिस्थिति आज की तिथि में मिली है, हम उसमें कैसे अपने आप को आगे के जीवन के लिए ये सकारात्मक सोच के साथ आगे हम कैसे सुधार कर सके जी और कैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम क्या कर सके, इसके लिए हमें मंथन करने के लिए ऐसा समय कभी दोबारा
पता नहीं ना आवे तो अच्छा है, जी और जी बल्कि बिल्कुल आएगा नहीं। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए कि जैसे स्कूल की आवश्यकता है वैसे परिवार की भी अपनी आवश्यकताएं होती है। बिल्कुल बिल्कुल ये शायद ही आज के जमाने में इतनी भागम भाग लोगों के जीवन में हो गई है, आजीविका के लिए, तमाम एक्टिविटीज के लिए, जी तमाम सामाजिकताओं के लिए लोग इतने अत्यधिक व्यस्त हो चुके हैं कि उनके पास अपने बच्चे के लिए समय नहीं होता, और बच्चों के लिए भी अपने पिता के लिए, माँ के लिए, दादी के लिए, नानी के लिए समय नहीं होता है। जी तो आज जिसके भी घर में जो लोग हैं वो एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, क्योंकि एक पिता जितनी सकारात्मक चीजें, जितनी अच्छी बातें अपने अपने पुत्र को, पुत्रियों को जिम्मेदारी के साथ बता सकता है, तो वो उसका जो अपनापन है या जो कुछ भी है वो तो उसका भी तो कोई जोड़ नहीं है। बिल्कुल अब पिता हमेशा कहाँ मिलते थे, अब आज का ये समय ऐसा आ गया है कि अब उसको एक 24 घंटे पिता मिला हुआ है, 24 घंटे माता मिली हुई है। जी तो इसका भी तो एक सकारात्मक वो है, मैं यही समझाता हूँ कि इस समय जो तुझ मिला हुआ है उसका सदुपयोग करो। बिल्कुल अच्छा, विद्यार्थियों के लिए हम ये देखते हैं कि हर विद्यार्थी को अपनी अच्छाइयों के बारे में पता होता है, अपनी कमियों के बारे में भी पता होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी है, वो सोचता है कि मेरी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, मेरा साइंस में भी ठीक हो जाता है, लेकिन मैथ मेरा पता नहीं कैसे नहीं हो पाता है। तो क्या ये अच्छा समय नहीं है कि आप अगर क्लास 9th में पढ़ रहे हैं तो जी 6th 7th की किताब उठा लीजिए और उसके बाद उन सवालों को करने की कोशिश करिए जो आपका पीछे छूट गया है, जी कि जी कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने उस समय अच्छे से नहीं किया था, मेरा आधार कमजोर हो गया था। तो जी आज हमें ये अपनी इस कमी को सुधारने का इतना अच्छा मौका है। अच्छा, मैं चूंकि एक बंगाली समाज से हूँ जी तो इसलिए मैं एक दूसरी बात भी करना चाहूंगा। मैं जिस तरह से हिंदी बोल रहा हूँ ठीक इतने ही अच्छे से या इससे भी अच्छे से मैं बंगला भी बोल लेता हूँ। जी जी तो और कलकत्ता वगैरह में जब मैं जाकर के वहां बंगालियों से बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि मुझे आप कहीं लगा ही नहीं कि आप तो उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं और उत्तर प्रदेश में आपकी जिंदगी बीतती है, जी पढ़ाई बातचीत से लगता ही नहीं कि आप बंगला। तो मैं अपने बच्चों को भी और शायद मेरे आसपास पास उनको मैं ये कहता हूँ कि ये एक समय है, आपके पास ज्यादा समय है, तो चलिए आप एक और भाषा, मैं बंगला होकर के कह रहा हूँ बंगला, कोई तमिल है तो वो तमिल, कोई बिल्कुल तेलुगु है तो तेलुगु, कोई मराठी है तो मराठी, बिल्कुल अपनी भाषा का अध्ययन करने के लिए इससे अच्छा समय और सुयोग कब आएगा? आप इसका इस समय का एक फायदा उठाइए कि एक बिल्कुल नई भाषा सीख लीजिए, उसके साहित्य से परिचित हो लीजिए। जी जी सबकी अपनी अपनी खूबियां हैं, किसी का कोई जोर तो है नहीं, बिल्कुल बाकी आप स्कूल कॉलेज में जो पढ़ते हो तो पढ़ते ही रहेंगे। अब आई बात, हम चूंकि एक संगीत के अध्यापक हैं जी तो संगीत के अध्यापक के लिए भी एक अलग तरह की बातें आती, क्योंकि संगीत अमूमन मुख्य विषय ना होकर के एक सहायक विषय होता है। जी जी अब पढ़ाई का इतना बोझ रहता है बच्चों के ऊपर, कोचिंग का बोझ, आगे परीक्षाओं का बोझ, तो कभी कभी संगीत में जितना अपेक्षित नियमित रियाज की आवश्यकता होती है, नित्य अभ्यास की आवश्यकता होती है, जी मनन चिंतन की आवश्यकता होती है, तो वो छूट जाता है। जी जैसे आप मान लीजिए कि इस समय एक संगीत के विद्यार्थी हैं तो आप पुराने उस्तादों का, बड़े गुलाम अली खान साहब का गायन सुनिए, जी ओंकारनाथ ठाकुर जी का गायन सुनिए, भीमसेन जोशी जी का कोई पुराना रिकॉर्डिंग लगा लीजिए, जी फैयाज खान साहब का सुनिए, तो ये जो समय है ये पहले कब मिला था? आप बिल्कुल स्कूल कॉलेज के उसमें तो जद्दोजहद में खोए हुए थे, आप तो जी बिल्कुल फुर्सत नहीं होती थी। इस समय आपको फुर्सत है कि आप अच्छा सुनिए, बात करिए, सुनिए, समझिए, अपना चिंतन उसमें से डेवलप करिए, विकास करिए कि उसमें से कुछ बातें अपनी भी आ जाए। जी केवल कोई चीज सीख लेने से, कॉपी में लिखी हुई चीजों को याद करने से तो कोई संगीतज्ञ नहीं बन सकता है। बिल्कुल उसको बनने के लिए उसका अपना कुछ, अपनी कुछ खूबियां होती हैं, तो उसको ये उभारने का, फिर अपनी कुछ कमियां हैं। किसी ने कहा कि भाई ऐसा है कि मैं सरगम तो बहुत अच्छा कर लेती हूँ लेकिन मुझे तान करने में बड़ी दिक्कत होती है। अब तान के लिए कुछ विशिष्ट अभ्यास होते हैं, अलंकार होते हैं, तो मैं उनको इन सब बातों के लिए अभी बताता हूँ कि ये समय है कि इस समय अलंकार की रियाज में, अभ्यास में जुट जाओ, जी जिससे कि गले में अगर तान कमजोर हो रही है उसको पूरा कर लो, जी जी किसी को ये कमजोर है तो वो पूरा कर लो, तो अपनी कमी। फिर कुछ जैसे हमारे ऐसे विद्यार्थी है जो थोड़ा सा एडवांस्ड है, वो समझते हैं कि मैं कुछ क्रिएटिव कर सकता हूँ, जी जी तो क्रिएटिव करने के लिए इससे अच्छा समय कब आएगा? हम जानते हैं कि इस समय क्रिएटिव होने का भी अच्छा माहौल नहीं है, क्योंकि जब आप समाज से सेंसिटिव रूप से जुड़े होते हैं तो आपको लगता है कि हमारे समाज में कितने लोग कितना ज्यादा परेशान हो रहे हैं, जी उनके जी सामने 2 जून की रोटी का तो इतना इतनी बड़ी समस्या आ चुकी है, समाज ध्वस्त होने की कगार पे पहुंच गया है। तो ये सब बातें, अब जब नेगेटिव बातें सोचते हैं तो उसके अंदर से पॉजिटिव क्रिएटिव करना आसान नहीं होता है, जी मैं जी इस बात को बखूबी समझता हूँ, लेकिन
आखिरकार आपको तो इन्हीं टूटे हुए टुकड़ों से ही तो दिए बनाना है और उसी को तो जलाने हैं। बिल्कुल तो ये बिल्कुल मौका मिला हुआ है, हम इसका सदुपयोग जरूर करने के लिए कहेंगे सभी विद्यार्थियों से कि एक भी पल बिना गंवाए ऐसा सुंदर समय फिर से आएगा नहीं जब आप अपने परिवार के साथ हैं और अपने पूरे वजूद के साथ, अपने पूरे अस्तित्व के साथ आप मौजूद हैं। कुछ आप करना चाहें, आज अगर नहीं कर पाए तो आप कल कभी भी नहीं कर पाएंगे, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। बिल्कुल बिल्कुल कहा भी गया है, क्षणश कणशश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत्। उसका सही उपयोग करके हम विद्या का अर्जन कर सकते हैं, और जो कण कण है उसको, यानी पाई पाई जोड़कर हम धन का जो संग्रह है उसको बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छी बात वाह आपने वाह वाह, कही क्या बात, बहुत सुंदर आपने। देवाशीष डे जी। चलते चलते आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लोगों को जो तनाव हो रहा है हर तरफ कोरोना की चर्चा के चलते, उससे निजात देने का, एक सुकून देने का साधन संगीत है। एक संगीतकार के रूप में आप इसको कैसे व्याख्यायित करेंगे? तनाव दूर करने के लिए संगीत से अच्छा साधन तो अभी नहीं लगता है कि विश्व में और कोई है, क्योंकि जी। हर व्यक्ति तनाव को दूर करने के लिए कुछ अलग अलग साधन खोज लेते हैं। लेकिन हम तो देखते हैं कि आध्यात्मिक गुरु हो, जी चाहे वो समाज के बड़े बड़े कर्णधार हो, बड़े बड़े वैज्ञानिक हो, जब उनको अपना तनाव, अपने जैसे एक वैज्ञानिक के बारे में अक्सर ही ये फोटो दी जाती है कि वो वीणा बजा रहे होते हैं। जी। कहा जाता है कि आइंस्टाइन जो है बहुत अच्छा वायलिन बजाते थे और कलाम साहब जो है बहुत अच्छी वीणा बजाते थे। तो ये सब जो चीजें हैं ये आज हमको सोचना चाहिए कि इस लेवल के लोगों को जिनके पास इतना दिमाग है, इतनी ऊर्जा है, जी इतनी नई नई चीजों करने की, तो उनको भी तो तनाव होता होगा, क्योंकि रचनात्मकता भी एक तनाव देती है। जी अब तनाव से अपने स्नायु तंत्र को कुछ राहत देने के लिए आपको जिस चीज की आवश्यकता होती है वो एक है, बहुत सुंदर सा वाइब्रेशन आपके कान में आना चाहिए, क्योंकि हमारे यूनिवर्स में, हमारे पूरे सृष्टि संसार में अलग अलग प्रकार की वाइब्रेशन है, जी और इस वाइब्रेशन में आपका एंटीना किसको पकड़ रहा है ये देखना बहुत जरूरी है। जी तो संगीत इस तरह की ऊर्जा फैलाती है कि आप अगर सुनते हैं, चाहे गाते हैं, कुछ भी जो जी आपको गाना पसंद है, ये नहीं कि ये संगीत या वो संगीत, ये राग या वो राग, मैं इसमें तो बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता हूँ जी कि अमुक राग में ही ये शक्ति है। मेरा ये मानना है कि आपको दिल में जो राग सबसे ज्यादा छू जाए जी वो आपके तनाव को दूर करने में सबसे ज्यादा सहायक है। बिल्कुल तो बिल्कुल आपके लिए कौन सी दवाई कारगर होगी और जी वही दवाई दूसरे के लिए कारगर हो जाए, ये तो नहीं हो सकता है। लेकिन हर एक राग के अपनी एक छवि होती है, एक अलग व्यक्तित्व होता है। राग भी हमारे हिसाब से एक अवतार की तरह है, वो जी अवतार जब अपने अवतरित होके आता है जी तो उसमें एक उसकी एक व्यक्तित्व होता है, उसमें से एक ऊर्जा निकलती है। जी वो ऊर्जा या वेव्स जो है, अगर आपके रिसेप्शन से, उसके रिसेप्टर से उसकी ऊर्जा में जब आप एक बन जाता है, तादात में बन जाता है, जी तब आपको वास्तविक शांति मिलती है। तो बिल्कुल इसके खोज करने के लिए इस समय बहुत आवश्यक है कि आप अपने आप को तनाव मुक्त करने के लिए, हो सकता है आपको लगे कि अब बताइए दुनिया इतनी इस समय मरी जा रही है और आपको इनको संगीत रोम जल रहा है तो नीरो बासु, बात इसकी नहीं है। जी जी बात जी इसकी है कि आप अगर इस युद्ध को लड़ने के लिए अपने को पूरी तरह से तैयार करना चाहते हैं तो पहले अपने स्नायु तंत्र को मजबूत करना होगा, और अपने बिल्कुल स्नायु तंत्र को, तंत्रिका तंत्र को मजबूत करने के लिए आपको संगीत के शरण में आना ही आना है। जी तो ये समय है जब आप संगीत अच्छा सुने, संगीत से प्रेम करें और संगीत को अपने जीवन में अपनाएं। बिल्कुल यह बिल्कुल निश्चित तौर पे एक ऐसा, आप अगले युद्ध के लिए या अगले जो समय आएगा जी उसके लिए आप तैयार हो जाएंगे। ये जो दुस्वप्न जैसा समय है, ये जी मानवता के लिए एक इतना बड़ा खतरा है, ये तो कभी ना कभी तो मानवता आगे बढ़ेगी ही, जी इससे बढ़ने के लिए हमारे अंदर वो ऊर्जा बनी रहनी चाहिए सकारात्मक। जी जी यही जी मेरा संदेश है, सबसे मेरा आग्रह भी है कि बच्चों को संगीत सुनाए, खुद सुने, संगीत को भी समय दें, उससे भी प्यार करें, तो आपको इन सब जो समय है वो निकल जाएगा फिर। चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है और बड़ी अच्छी सलाह हमारे श्रोताओं तक, हमारे विद्यार्थियों तक जो किसी भी विषय से, किसी भी विधा से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार का अध्ययन वो कर रहे हैं, सबके लिए बहुत संजीवनी का काम करेगी आपकी बातें। बहुत अच्छा लगा, हमारे साथ थे शास्त्रीय संगीत के विद्वान श्री देवाशीष डे जी।
तो हम बहुत बहुत विविध धन्यवाद, बहुत बहुत आभार विविध आपका। भारती FM वाराणसी और आकाशवाणी वाराणसी की ओर से आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। और अब ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। Thank you.